गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडल्स ऑफ टीचिंग दिस इज इन योर सेकंड यूनिट तो सबसे पहले ये बात आती है कि मॉडल क्या है आपको समझ में आ रहा होगा अगर जैसे साइंस पढ़ाते हैं तो हार्ट का मॉडल हो गया आई का मॉडल हो गया आंख का डाइजेस्टिव सिस्टम का है नर्वस सिस्टम है सिमिलरली जोग्राफी पढ़ाते हैं तो ग्लोब हो गया तो इसी तरह से वॉलैनोज हो गए ये सारे जो है मॉडल्स बट हियर इट इज डिफरेंट फ्रॉम दो मॉडल्स हाउ विच इन द्लास रूम दिस तो मॉडल क्या है मॉडल्स ऑफ टीचि नॉलेज इंफॉर्मेशन आइडियाज स्किल वैल्यूज वे ऑफ थिंकिंग मॉडल्स आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन That means how we have to do teaching, how we have to make instructional, which describe the process of specifying the and producing particular environmental situation which cause the student to interact in such a way that a specific change occurs in his behavior. Bruce Joyce and Marsha Weel Ne kaha hai. describe a models of teaching as a plan or pattern that can be used to shape.

To select material and to guide एंड टू action. हिंदी में अगर चलें तो हम जॉयस और वेल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान मात अनुदेशन की रूपरेखा है, अनुदेशन इन पढ़ाने की क्रिया है वे विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में अंत क्रिया दिन करवाती है जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सके बिकॉज यू नो दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज इन बिहेवियर तो यहां पर भी मॉडल्स जो है इस तरह से बच्चों से इंट्रैक्शन किया जाए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए एंड एंड का नेक्स्ट डेफिनेशन 1978 में जो दी हुई है। मॉडल ऑफ ऑफ टीचिंग कंसिस्ट गाइडलाइंस फॉर द डिजाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज इट रूपरेखा माने जाते हैं इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्र की अंत क्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सके जो परिवर्तन हम चाहते हैं वह परिवर्तन में लाया जा सके अकॉर्डिंग टू पॉल डी एंड एजेंडीएल इटीएल का मतलब होता है और भी कोई मॉडल्स आर मॉडल टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्पलिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स जहांगीरा एंड अदर्स की डेफिनेशन 1983 में जो दी हुई है वह है A model of teaching is a set of interrelated components arranged in a sequence which provides guidelines to realize specific goals. It helps in designing <laughs> instructional activities and environmental facilities, carrying out of these activities and realization of the stipulated objectives. So, in definition, you have clear that ho models of teaching is nothing, only its way of the instructional design. किस तरह से क्लास में हमने पढ़ाना है किस तरह से हमने अनुदेशन का काम करना है हमारी क्रिया क्या होगी बच्चों की क्रिया क्या होगी दैट मीन इंट्रेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट क्या रहेगा और बच्चों के व्यवहार में एक जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उस परिवर्तन के लिए यह टीचिंग मॉडल काम करता है डेफिनेशन के आधार पर यह क्लियर हो गया नाउ वी गो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल टीचिंग मॉडल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं गुणधर्म है या विशेषताएं हैं वो क्या हैं तो पहला है इनकरेज आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण की कला को इनकरेज करना या प्रोत्साहित करना टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट टीचिंग मॉडल्स एनकरेजेस दिस आर्ट बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग एनवायरमेंट दूसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज हम जानते हैं कि हर बच्चे पर हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ जो है छुपी हुई जो है क्या होती है योग्यता होती है तो टीचिंग मॉडल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं उनके इस इनहेरेंट एबिलिटीज को जो उनके वंशानगत योग्यता है जो उनमें छुपी हुई योग्यता है उसका विकास कर पाए टीचिंग मॉडल्स ब्रिंग अबाउट द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ह्यूमन एबिलिटीज इट आल्सो इंक्रीजेस द टीचर्स सोशल कॉम्पिटेंसी तीसरा है आपका बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस यू नो दैट इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है कुछ न कुछ भिन्नता सब में पाई जाती है तो टीचिंग मॉडल भी उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए टीचिंग मॉडल यूजेस द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एज इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगला है इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफी दर्शन शास्त्र द्वारा जो है ये क्या होते हैं प्रभावित होते हैं कि किस दर्शन के हिसाब से इट फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल मतलब दैट थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स ब्लूम्स की टेक्सोनोमी जो तीन डोमेन है ऑब्जेक्टिव के कॉग्नेटिव एफेक्टिव एंड साइकोमोटर इसके हिसाब से एवरी टीचिंग मॉडल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन टीचर फॉर्मुलेट डिफरेंट बिलीव नेक्स्ट है आपका आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसका जो है मूलभूत जो आंसर है वो क्या होना चाहिए यह टीचिंग मॉडल के द्वारा प्राप्त होता है इन एवरी टीचिंग मॉडल आंसर फंडामेंटल क्वेश्चनिंग टू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचरूडेड इसी में मैं बता रहा हूँ मॉडल <laughs> <थे concept laughs> है तो इसमें कंसेप्ट अटेंड किया जाएगा मास्टर लर्निंग मॉडल है इसमें पूरा का पूरा जो है किस तरह से क्या करना है ठीक है तो अलग अलग जो मॉडल है अलग अलग उनके आंसर्स अलग अलग तरीके से रहेंगे जो है ठीक बट फॉर वन क्वेश्चन इट मे बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे अगला है आपका प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एक उचित अनुभव को प्रदान करना टीचिंग मॉडल्स प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपीरियंस टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट सिलेक्टिंग ऑफ टीचिंग दिस डिफिकल्टी सोल्व टीचर प्रेजेंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस बिफोर द स्टूडेंट अगला है आपका मैक्स ऑफ आप टीचिंग टीचिंग की क्या विधि होनी चाहिए इसके बारे में भी मॉडल बताता है

बिफोर गोइंग टू फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल्स एक बार इसमें जाने से पहले हम एक बार देखते हैं कि टीचिंग मॉडल हमारे लिए किस किस